पहुंचने में अब महज 2 दिन का वक्त रह गया है। इसे देखते हुए उनके स्वागत की तैयारियां तेज हो गई हैं। यहां रह रहे अप्रवासी भारतीयों का दावा है कि पीएम मोदी के स्वागत में वो अमेरिका को भी पीछे छोड़। जस्ट ट्राइंग टू डिसाइड एक्चुअली। हम बहुत ही उत्सुक हैं, मोदी जी के इन प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं तो सब एक एक जुनून आ गया है, सब में जोश आ गया है कि वाइब्रेंट हो गया है, ऑस्ट्रेलिया वाइब्रेंट हो गया है। यही आशा करते हैं कि सारे विश्व में भारत और भारतीयों का नाम बहुत ही आगे बढ़े, और इसी उत्साह के साथ हम ऐसे कार्यक्रमों में हमारा योगदान देते रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे अप्रवासी भारतीयों की कोशिश है कि वो पीएम मोदी के अमेरिका में हुए स्वागत से भी 4 कदम आगे बढ़कर उनके दौरे को यादगार बनाएं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ऑस्ट्रेलिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक माने जाने वाले सिडनी में, और मेरे ठीक पीछे आप ये देख रहे हैं कि ऑल फोन्स अरीना है, जो सबसे बड़ा अरीना ऐसा माना जाता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जहां पर न सिर्फ खेलों के आयोजन होते हैं बल्कि बड़े बड़े रॉक कॉन्सर्ट्स होते हैं। और यही ऑल फोन्स अरीना है जहां पर आज से ठीक 5 दिन बाद यानी 17 नवम्बर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, सिडनी में रहता है, आसपास के शहरों में रहता है, उनको इसी अरीना के अंदर संबोधित करेंगे। तकरीबन ऐसा माना जा रहा है कि 16,000 के करीब भारतीय उस दिन यहां अरीना के अंदर होंगे, और उतनी ही तादाद तकरीबन यहां बाहर, ये जो अहाता आप देख रहे हैं ऑल फोन्स अरीना के बाहर, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी आपको घुमाकर दिखाएं, इस पूरे अहाते में बाहर वो भारतीय होंगे जिन्हें इस कार्यक्रम में शामिल होने के पासेस या टिकट नहीं मिली है। आपने पूरी तैयारी की है कि जो कुछ अमेरिका में आयोजन हुआ उससे कड़ी टक्कर, उससे बढ़िया करेंगे। अमेरिका वाले ये सोचते रहे होंगे कि शायद उनके पास में ज्यादा पैसा है, ज्यादा लोग हैं, लेकिन हम ये दिखाएंगे कि हमारा ये देश छोटा है, हम लोग कम हैं, लेकिन इस काम में कम नहीं है। इन आयोजकों को ये पूरी उम्मीद है और इनका ये पूरा विश्वास है कि ये आयोजन बाकी सभी आयोजनों को पीछे छोड़ देगा और 17 तारीख को पूरी दुनिया देखेगी कि सिडनी में भारतीयों ने प्रधानमंत्री के लिए क्या कुछ आयोजित किया। कैमरामैन सुरेंद्र सिंह के साथ शीतल राजपूत, इंडिया न्यूज, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। अंदर की बात यह है कि पीएम मोदी 28 साल के लंबे अंतराल को अपने 5 दिनों के दौरे में पाटने जा रहे हैं, इसीलिए वो यहां रह रहे युवा भारतीयों को पूरा वक्त देंगे। ऑस्ट्रेलिया में भारत से हर साल लाखों छात्र पढ़ाई करने जाते हैं और वहां भेदभाव की कई घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। अप्रवासी भारतीयों को लगता है कि पीएम इस मुद्दे को वहां पर मजबूती से उठाएंगे।